हेलो डियरेस्ट फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल आर स्मिता फेस्टिव ब्लॉग। ये है आंवला और हम बनाने जा रहे हैं झटपट खाने वाला आंवले की अचार तुरंत खाने के लिए। तो आंवला को धो करके इस उबलते हुए पानी में हम ऐड कर रहे हैं आंवले को बॉयल होने के लिए, और इसमें उबलते वक्त भी थोड़ा सा हम नमक ऐड कर देंगे। और ये आंवला बॉयल हो गया है, इसे बहुत ज़्यादा नहीं बॉयल करना है ताकि ये मैश हो जाए। बस इसकी फांकी जो होती है, पीसेज जो होते हैं वो अलग हो जाए, बस इतना ही करना है। और ये है वो डिब्बा जिसमें हम अचार बनाएंगे। इसमें पहले अचार था तो वो हम साफ करके, मतलब ख़त्म हो गया था तो साफ करके रख दिए धूप में सूखने के लिए। और ये है अचार का मसाला जो कि हम अचार में मिक्स करेंगे। ये है लहसुन जिसे छील करके धो करके हम रख लें सूखा करके। ये है अदरक, ये है लाल मिर्च, ये है हल्दी, ये है अजवाइन मंगरेल। एक साथ है, धुला हुआ है, इसमें आकड़ नहीं है, साफ करके रखे हैं। ये है हरी मिर्च, ये है सरसों। और इन सबको हम सूखा पीस लेंगे। और ये है आंवला, आंवला थोड़ा ठंडा हो गया है तब इसके पीसेज हम करेंगे, गरम गरम में नहीं करेंगे। और हाथ में मोबाइल लिया है ना तो इसलिए एक हाथ से दिखा रहे हैं, आलस आ रहा था ट्राइपॉड में लगाने के लिए इसलिए हम सोचे कि चलो ऐसे ही कर लेते हैं। और ये है वो डिब्बा जिसमें हम अचार बनाएंगे, और इन सारे मसालों को हम सूखा ही पीस लेंगे बिना पानी का, पानी इसमें ऐड नहीं करना है। और अब सारे एक साथ इसमें मिक्स कर लेंगे। तो बताइए कैसे हैं सब, आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की कुशलता की शुभकामना करती हूँ। और ये है नमक, सारे मसाले मिक्स कर दिए। ये है नमक, और नमक हम सेंधा नमक यानी रॉ सॉल्ट ले रहे हैं क्योंकि इसे कच्चा ही खाना है, इसमें सब कुछ हम कच्चा कच्चा मिलाए हैं, यानी कि मसाला भी सारा कच्चा है, नमक भी सेंधा नमक है, सरसों का तेल भी बिना गर्म किए ही मिलाएंगे, कच्चा ही मिलाएंगे, पका करके यानी गर्म करके नहीं मिलाएंगे क्योंकि इसको तुरंत खाना है ना। और ये भी, इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसमें हमने कुछ भी नहीं भुना है। और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसका टेस्ट इतना अच्छा आता है, इसकी खुशबू इतनी अच्छी आती है कि हम क्या ही बताएं। ये है सरसों का तेल, आप लोग जब भी खाना खाइएगा, अब ऐसे तो मैं नहीं कर सकती कि आप लोग भी खाइए क्योंकि अचार कोई ऐसे तो खाएगा नहीं, तो आप लोग जब भी खाना खाइएगा इसमें से ले लेकर के खाइएगा, ओके। और अब ये हम दोपहर में बनाए अचार, सुबह का तो वीडियो हम बनाए नहीं मन किया इसे नहीं बनाए, दोपहर में हम अचार बनाए उसका वीडियो बनाए। और अब हो गया है शाम, तो हम बना लेते हैं शाम की चाय अपने लिए, आप लोगों के साथ पियेंगे, आप लोग भी पीजिएगा। तो ये बन गई है हमारी चाय, आ जाइए, आप सभी का भी मोस्ट वेलकम है हमारे साथ इवनिंग टी पर। चाय पीकर बताइए चाय कैसी बनी है। अब तक तो सब कोई जान चुका है मैं चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ। थोड़ा बिजी चल रही हूँ, नहीं तो और अच्छे अच्छे फ्लेवर की चाय मैं पिलाना चाहती हूँ। बस बहुत जल्द ऐसे ऐसे चाय लाऊंगी ना, आप लोग का दिल खुश हो जाएगा। और अब हम बना ले रहे हैं डिनर, डिनर में बना रहे हैं पनीर की सब्जी, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान तरीके से, कोई तामझाम नहीं, कोई टिटमिटार नहीं, एकदम गांव स्टाइल में, एकदम देसी स्टाइल में। ये है मिर्चा, ये सारे मिर्चा जो है ना मेरे, मतलब हम लगाए हुए हैं वही है, उसमें हरा भी था और अब उसी में पक भी रहा है तो तोड़ तोड़ करके रख लिए हैं, तो काफ़ी इकट्ठा हो गया है, दिखाते हैं किसी दिन, तो वो भी लाल मिर्ची की जगह पे वो भी काम करेगा। और ये है लहसुन मिर्चा प्याज जो आप लोग देखे, और इसी में हम टमाटर ऐड कर रहे हैं, इनको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे, सॉफ्ट हो जाएगा पीसने के लिए। और ये है सूखे मसाले, सारे सूखे मसाले इसमें, सब्जी मसाले हैं, गर्म मसाले हैं, धनिया है, जीरा है, काली मिर्च है, कबाब चीनी है, कबाब दालचीनी है, जायत्री है, श्याय जीरा है, मतलब सारे गरम मसाले हैं, शंख पुष्पी है, पुष्प है, सब कुछ है। सबको हम कच्चा ही पीसेंगे, उसको कहीं रोस्ट नहीं करना है, कोई बिल्कुल कच्चा रहेगा, भूनना नहीं है। और इसकी टेस्ट इतनी अच्छी होती है कि हम क्या ही बताएं, बहुत अच्छी होती है। एक बार इस तरह से बनाकर भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। और ये जो प्याज टमाटर लहसुन हम फ्राई कर रहे हैं ना, इसे भी फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, सारे मसाले जो हमने लिए और ये सारा टमाटर लहसुन प्याज मिर्चा सब कुछ एक साथ, बस मसाला उसमें पीस नहीं पाता है, उतनी महीन नहीं हो पाती है, इसलिए ये देखिए मसाला हम पीस लिए, हमने पीसे हैं, बेटी पीस करके ले आई है, यहीं पर है तो सामने साइड में मिक्सी वही दिख रहा है। तो
एक साथ नहीं पीस पाएंगे, अलग अलग, मतलब जो बेटर पेस्ट जो होता है महीन नहीं हो पाएगा, इसलिए अलग अलग पीस सकते हैं, नहीं तो सब एक साथ कच्चा ही पीस करके इसकी सब्जी भी बनाने में, लेकिन हाँ इसको भूनने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे तब तेल गर्म हो गया तो उसमें तड़का लगा दिए, जो भी तड़का लगाना है, तेज़पत्ता, पंचफोरन, प्याज का तड़का लगाने के बाद उसको इन सब मसाले को भूनना पड़ता है कम से कम 10 से 20 मिनट, 20-25 मिनट तक खूब अच्छी तरह से भूनना पड़ता है, तब जा कर के सब्जी बनाने लायक होता है। और अब ये जब ठंडा हो जाएगा तो इसको हम इसको भी पीस लेंगे, ये तो सभी लोग जानते हैं। और अब हम इस कढ़ाई में पनीर को फ्राई कर ले रहे हैं। तेल तो हम बहुत कम लिए हैं, दिख रहा है बहुत ही कम तेल है, इसी में हम इसे फ्राई करेंगे। एक होता है कि ज़्यादा तेल में उसको छान करके निकालना, जैसे पूरी छानते हैं उसको कहते हैं फ्राई, एक्चुअली हम इसे तल रहे हैं, ऐसे ही भून रहे हैं। और इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, इससे क्या होता है कि पनीर जो है कढ़ाई में चिपके कि नहीं, फर्स्ट एंड सेकेंड कि पनीर ठंडा होने के बाद भी सॉफ्ट रहेगा। जैसे सब्जी जब बन जाती है तो ठंडी होने के बाद सब पनीर कड़ी हो जाती है, ये कड़ी नहीं होगी, हमेशा सॉफ्ट रहेगी। इसको गर्म पानी में भी पानी नमक ऐड करके हम फ्राई करके ऐड कर सकते हैं, और नहीं तो इस तरह से भी, तो उस तरह से ज़्यादा तेल में जैसे छानना होता है ना उस तरह से। और ये तो हम बहुत ही कम तेल में इसे हम फ्राई केवल भुने हैं, तले हैं, फ्राई नहीं किए हैं, और ये भी बहुत अच्छा होगा। ज़्यादा तेल से बहुत ज़्यादा नहीं होता, हाथ में लग जाता है, क्या रोज़ रोज़ बनाना ही है, कभी ना कभी अक्सर बन ही जाता है, तो फिर ज़्यादा तेल मसाला करने से क्या फ़ायदा है। कम में अगर बन जाए और उसी में जितना तेल बचा है, थोड़ा सा तेल बचा है, इसी में हम थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे, बटर भी ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, बहुत थोड़ा सा है तो कर रहे हैं, नहीं रहता तो कोई बात नहीं, कोई सरसों के तेल में भी बनता है और बहुत अच्छा बनता है। इसी में हम तेज़पत्ते का तड़का लगा दिए और छोटा छोटा प्याज काट के, एक प्याज है, छोटा सा प्याज है, एक प्याज का तड़का लगा दिए, क्योंकि प्याज तो हम ढेर सारा पीसे ही हैं, और थोड़ा सा पंचफोरन, ये हो गया हमारा तड़का। और ये जो कच्चा मसाला हम पीस के रखे थे वो मसाला इसमें ऐड किए सबसे पहले, क्योंकि वो तो कच्चा है, तो पहले उसको हम भूनेंगे इसमें, और बहुत देर तक भूनेंगे, कम से कम 5 से 7 मिनट तक 8 मिनट तक भूनेंगे इसे हम। और जो पानी इसमें हम ऐड कर रहे हैं, वो जो पनीर जिसमें हम भिगोए हैं वही पानी ऐड करेंगे, क्योंकि वो पानी गर्म है, पूरे सब्जी बनाने में भर में जितना भी पानी की ज़रूरत पड़ेगी हम वही गर्म पानी ही इसमें यूज करेंगे, ठंडा पानी यूज नहीं करेंगे। ठंडा पानी यूज करेंगे तो सब्जी कढ़ाई ठंडी होगी तो उसको बनाने में लेट होगा। इस तरह से अगर सब्जी बनाते वक्त पानी गर्म करके अगर नहीं भिगोना है, तभी गर्म पानी सब्जी में ऐड करने से क्या होता है ना, एक तो टेस्ट अच्छा होता है और दूसरा सब्जी जल्दी बनती है। और ये प्याज, टमाटर, लहसुन, मिर्चा का जो ग्रेवी है पेस्ट हम पीस लिए हैं, अब इसके इस मसाले को भूनने के बाद इसको इसमें ऐड करेंगे। और मसाले भूनने का मतलब है कि जैसे इसमें जो ऑयल है, ऑयल और मसाला बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए, और मसाला जो है ऑयल को, तेल को रिलीज करने लगता है, अलग करने लगता है और छीटा टाइप का पड़ने लगता है। तो मसाला भून गया और खुद भी दिखने लगता है, समझ में आ जाता है, खुशबू उड़ने लगती है, तो समझ में आ जाता है कि हाँ मसाला भून गया। अगर सिंपल सी सब्जी बनानी है, आसान सी, जैसे मन नहीं कर, आज मेरा मन नहीं कर रहा था सब्जी बनाने का, पर मुझे ये बनाना था, तो इस तरह से बना लीजिए। सिंपल से बनाना है तो सिंपल तरीके में भी सब्जी बनाइए और बहुत अच्छी लगेगी। तो ये हो गया पूरी ग्रेवी, ये जब थोड़ा सा बॉयल हो जाएगा तब इसमें हम पनीर ऐड कर देंगे। ये है सारा बर्तन जो यूज किए हम अभी तक, वो हम दिखा रहे हैं कितना रायता फैल गया। जब तक ये ग्रेवी बॉयल होगा तब तक उसको हम धो धा करके साफ करके रख देंगे। बर्तन भी साथ में धोते ही जाना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, वो भी आलस आता है। और ये ग्रेवी पकी गई है, इसमें हम पनीर को ऐड कर दिए, थोड़ी देर इसे हम इसके साथ में पकाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बस बहुत कम, 2 से 3 मिनट, ज़्यादा नहीं। और बहुत ज़्यादा मतलब पतला, बहुत ज़्यादा गाढ़ी ग्रेवी हम नहीं किए हैं, क्योंकि हम लोगों को चावल से रोटी से खाना है, और बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, सूखा टाइप हो जाता है ना, तो बच्चों को पसंद भी नहीं आता है, थोड़ा ग्रेवी रहता है तभी पसंद आता है। और ग्रेवी गाढ़ी है ही। और ये है कस्तूरी मेथी, इसे थोड़ा सा रोस्ट करके हम इसमें ऐड किए हैं, कच्चा ऐड नहीं किए हैं।
तो सब्जी बन करके रेडी हो गई है, पनीर की सब्जी बन करके रेडी हो गई है। ये है थोड़ा सा बटर, बटर नहीं है तो ऐड कर दें, नहीं रहता तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि ये नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा, किसी चीज़ के बिना कोई काम नहीं रुकता है, काम चल जाता है, चला देना चाहिए। देखिए वो चलेगा नहीं, दौड़ जाएगा। सब्जी बन गई, रेडी हो गई, कम्प्लीट हो गई। ये बन करके इस तरह से हुआ है, देखने में कैसा लग रहा है? देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग तो सिर्फ देख ही सकते हैं, मैं बोल भी दूँ खाने के लिए तो खा तो सकते नहीं है, तो देखने में तो अच्छा लग रहा है। ये है डिनर लग गया है, तो आ जाइए आप सभी भी हमारे साथ डिनर पे, मोस्ट वेलकम है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक अच्छे से वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बी सेफ, बी अलर्ट, थैंक यू। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा।